हाल से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत ही बेकार नज़ारा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ तो टू व्हीलर में यह हाल है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि फोर व्हीलर सारे वापस आ रहे हैं, वहाँ से वापस जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा गड्ढा वहाँ पर है। और जरा मेरे आप बिल्कुल लेफ्ट की तरफ देखें तो देखें लोग किस तरह से राउंड लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की बेकार हालत यहाँ पर हो रही है। देखें देखें जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे राइट में आप देखेंगे रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ जाने की कोशिश करती हैं। देखिए ये पिकअप तो देखें किस तरह से बच के यहाँ से पानी से अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं, और इसमें देखें कैसे कितना मुश्किल करके गाड़ी को जोखिम में डाल के ये लोग देखो कैसे ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कहाँ की सड़क है मैं आपको बता देता हूँ, ये द्वारकाधीश है, भिवाड़ी की सड़क। और आप हमें देखिए किस तरह से हम निकल रहे हैं, ये जरा देखें आप। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, अगर रात में एम्बुलेंस भी अगर आ जाए, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, तो यहाँ से एम्बुलेंस भी क्रॉस होना मुश्किल है, है? कहने को ये बहुत बड़ा एरिया बताया जाता है। ये हमारी डेवलपमेंट है, और जबकि ये रोड पूरी हरियाणा सरकार में आती है। जरा मेरे लेफ्ट की ओर देखें कितना बुरा लग रहा है, किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ से निकल के आ रही है। राइट साइड तो ये हाल है हमारा। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं, जो सही डायरेक्शन है। यहाँ की भी आप सड़क देख सकते हैं, पीछे हमारे देखिए पेट्रोल पंप जरा देखें कितना बुरा है, डूबा पड़ा है, संगम में डूबा पड़ा है। बस अभी आपको यहाँ तक अभी हम देख दिखा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी अच्छी सड़क दिख रही है। अभी हम जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी आपको इससे ही बड़ी खतरनाक सड़क दिख जाएगी। ये देखिए पेट्रोल पंप के पास की सड़क आपको दिखाते हैं। ये देखिए गड्ढे, ये पेट्रोल पंप एंट्रेंस पे भी हाल देखिए। ऐसा माना सा लगता है कि क्या ही आ रहा है। देखो आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी वाला साइड में वेट कर रहा है। इस सड़क को देखिए जरा, ऐसे लग रहा है जैसे बीच में से ही खोद दिया हो इसे। बिल्कुल साइड में यहाँ से जाना मुश्किल ही है। यही मैं बता रहा हूँ, यदि आप रात को अगर गाड़ी लेकर आते हैं तो आप क्या लगता है, देखो कि हमें क्या होगा, कितना बड़ा गड्ढा है, किसी को पता नहीं है यहाँ पर। ओहो माय गॉड, राइट का ही बुरा हाल है। देखो यहाँ पे हैरियर जैसी गाड़ी भी आगे नहीं जा रही है, कतरा रही है जाने के लिए। जरा देखें आप कितना बुरा हाल है इस रोड का। देखें कितना बड़ा गड्ढा पूरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है बीच में। टेरिबल। जरा मेरे राइट की ओर देखें, क्यों हम नहीं जा रहे इस रास्ते से, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। मेरे राइट की ओर देखें कितना बुरा हाल है इस जगह का। ये देखिए बीच में जैसे बाहुबली पत्थर फेंका हुआ है। और देखिए दो हैरियर यहाँ से देखिए कैसे निकल रही हैं। इनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम रॉन्ग साइड से चलने वाले हैं। धीरे 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 करके यहाँ से जाने लगे हैं। और जरा दिखाओ उधर, ये देखिए क्या हालत है इस सड़क की, पूरी आप देख सकते हैं। ये सड़क है द्वारकाधीश रोड की। जरा देखें ये समंदर को हमारे साइड में ले रहा है, ये रोड है क्या, आप बिलीव कर सकते हैं रोड है।
और हम चल रहे हैं डिवाइडर के ऊपर से। ये है यहाँ की दुर्दशा। और ये आता है इधर सरकार की रोड। हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन लाने की बहुत जरूरत है, लेकिन सड़क का कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए, अभी भी आप जैसे देख सकते हैं कि सड़क ऐसे उखड़ी हुई है जैसे किसी सांप की चमड़ी उखड़ी हुई है। बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल, और ये हरियाणा हमारे राजस्थान बॉर्डर में ही लगता है, यही से हम दिल्ली के लिए निकलते हैं और इसे NH में कहा जाता है। पर ऐसे डेवलपमेंट हमारे देश के लिए बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। और हम टैक्स देते हैं सड़क पे चलने के लिए, लेकिन हमें लगता है हम टैक्स देते हैं गड्ढे बनाने के लिए। बिल्कुल, गड्ढों में करप्शन किया जाता है, गड्ढे खोद खोद के रोड के नाम से पैसा लिया जाता है और भरा जाता ही नहीं उसके अंदर। एक बारिश आ जाती है यहाँ तो बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले और यहाँ पे एक अच्छी रोड का निर्माण हो। बिल्कुल, ताकि आप लोग सेफली यहाँ से जा सके, अपनों को और खुद को भी यहाँ पे सेफली यहाँ से जा सके, क्योंकि ये कनेक्टिंग एक ही एक शॉर्ट हमारी कनेक्टिंग रोड है जो कि हमें यहाँ पेट से मिलाती है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जाते हैं जो दिल्ली ट्रैवल करते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं, डेली जॉब करने वाले लोग भी हैं जो कि शाम को जब वापस आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत जान से। और कोई नया बंदा यहाँ पर आता है तो उनके लिए तो मतलब समझो कि कितना बड़ा डेंजर है यहाँ पर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ की रोड कैसी है, किसी पल में भी कोई भी गड्ढा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड लगभग 60-70 रेंज में लोग चलाते हैं, क्योंकि रोड एकदम फ्री है यहाँ पर। तो बहुत बुरा हाल है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के बात पहुँचे और यहाँ की लोकल अथॉरिटी इस रोड को चलाने के लिए जल्दी से जल्दी एक्शन ले और इसको पूरा करें।